नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट दिया था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने जितना भी सीटों का लिस्ट आया था, सब सीटों को हमने गिनती करवाया। अगर पूरे यूजी कोर्स की बात किया जाए तो पूरे यूजी कोर्स में 3000 प्लस सीट खाली है। 3000 सीट पे अभी एडमिशन होना है। बहुत सारे, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हो रहा है, मेरा कॉम्बिनेशन जो है अप डाउन नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि हर एक अपडेट के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को जरूर से ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। और अभी रात में ये वीडियो आपके पास जा रहा है, कल सुबह तक एक पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रक्रिया पर, हर एक डाउट पर। इसीलिए किसी को परेशान नहीं होना, बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल में प्रेस कर लेना। ऐसे भी सब अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले देती है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट देखना चाहेगा कि जो सीट लिस्ट आया है वो कहाँ है। जितना भी सीट खाली है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिफ्रेंस भर सको। ये बीए ऑनर्स आर्ट्स का है पूरा, और मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा गिनती करवाया तो पता चला बीए में, बीए कोर्स की बात किया जाए, बीए कोर्स की तो 2000 से ज़्यादा सीट अभी खाली है। 2000 से ज़्यादा सीट खाली है, यानी इन सीटों पे मॉपअप राउंड के माध्यम से एडमिशन होगा। अगर यूजी पूरा कोर्स की बात किया जाए, पूरा कोर्स जिसमें कि बीएससी का भी बहुत सारे ग्रुप को मिला लिया जाए, बीएलएलबी में सीट खाली है, सब मिला के 3100 प्लस सीट खाली है। कितना? 3100 प्लस सीट खाली है। आप लोग भी गिनती कर सकते हो विभिन्न कोर्सेस के, विभिन्न जितने भी ओनर से सब मिलाकर। तो ये मैं बता रहा हूँ, इतना सीट खाली है, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सीट खाली है। लेकिन हाँ, जब प्रीफ्रेंस आप भरिएगा तो बढ़िया से भरिएगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रीफ्रेंस डालिएगा। चेक कर लीजिए, आप लोग खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ से हम डाउनलोड किए, आपको पता ही है, आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि सर कौन कौन लोग मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो नियम भी बीएचओ ने जारी कर दिया, जो कि नियम आपको पता है। पहले तो 1000 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा मॉपअप राउंड के लिए, और अगर आपने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया और आपको अलॉट नहीं हुआ तो फीस वापस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और आपको अलॉट हुआ लेकिन आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, उस स्थिति में फीस वापस नहीं होगी। अगर आपको एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, 1000 रुपया लगा और कोर्स अलॉट हो गया, तो अब क्या है कि वो 1000 रुपया आपके कोर्स फीस में सेटल हो जाएगा। तो ये फीस वाली प्रक्रिया है जो कि मैंने समझा दिया। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो इसमें स्पष्ट 3 पॉइंट में लिखा गया, जो कि हिंदी में दिया हुआ है, स्पष्ट समझ लेना, जो कि स्पष्ट में बता दे रहा हूँ कि देखिए, पहले ये कि जो भी स्टूडेंट अभी तक बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन पंजीकरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवार जो मॉपअप राउंड के लिए पंजीकरण करते हैं और आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए अन्य सभी कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले बीएचयू का काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि नियमित राउंड में आवंटन के दौरान कोई भी सीट नहीं मिला है, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीट मिला था लेकिन आप पेमेंट जमा नहीं कर पाए, प्रीफ्रेंस जमा नहीं भर पाए, उस स्थिति में मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फीस जमा कर दी है लेकिन बाद में आपने अपना जो एडमिशन है कैंसिल करवा लिया, बाद में आपने कैंसिल करवा लिया तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा जिन स्टूडेंटों ने पहले आवेदन नहीं किया था वो लोग भी आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा है जो जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही सीट, किसी सीट पर हैं, किसी सीट पे हैं, या फिर आप पहले ही लॉक कर दिए हो अपना सीट, तो अब आप मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हो। मॉपअप राउंड के लिए यही नियम है, यूजी पीजी दोनों के लिए, और सीट को भी। अब यहाँ से देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही जो है रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था तो वो लोग परेशान नहीं होगा। अभी देखिए, अभी 2-3 समस्या आ रहा है, मेजर समस्या जो सभी स्टूडेंट लगातार बता रहे हैं। पहला कि जो आपका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आपको ये भी ध्यान देना है
कि आपको ऑनर्स तो भरना ही भरना है, इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन भी भरना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये दोनों में इशू आ रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसमें एडिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो पेमेंट में है, पेमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी आ रहा है, जो लगातार कॉल कर रहा है कमेंट के माध्यम से। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको आपके मन में कौन सा सवाल है जिसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं दे दूंगा सुबह वाले पूरा डिटेल वीडियो में, परेशान नहीं होइएगा। तो ये जो है आपको मैं बता दिया, सीट खाली यहाँ पे है, नियम यहाँ पे है। अब यूजी मोपो राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं किसी भी प्रकार से, तो वो लोग आसानी से जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे खास बात है कि समय बहुत कम है, आपको कल 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही टाइम मिला है। हालांकि BHU का वेबसाइट जो है काफ़ी स्लो, आपके सामने मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्लो है, तो हो सकता है टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि BHU ने बहुत पहले कहा था 3 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, लेकिन इन्होंने बहुत कम टाइम के लिए ओपन किया है। तो ये जो है अभी लाइव है, UG मोपो राउंड रजिस्ट्रेशन लाइव है, आराम से जाके जो लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है आराम से यहाँ जाके करवा सकता है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। मैं सुबह वाले वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा, हर एक अपडेट आपका मिस नहीं होगा। 3000 सीटें UG कोर्सेज में खाली है, एडमिशन होने की पूरा संभावना है, परेशान नहीं होइएगा, सही से प्रिफ्रेंस भी भरना है, क्योंकि बढ़िया सब्जेक्ट भी चाहिए आपको पढ़ना है तो। और मेन कैंपस, इसके अलावा एफिलेटेड कॉलेजेस, सबको ध्यान रख के आपको भरना पड़ेगा। तो हर एक का जानकारी मैं सुबह वाले वीडियो में दे दूंगा, अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ रहा है जो कि समाधान हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, मैं आपके साथ हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर से ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।